नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। तो दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का थर्ड T20 मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लेडियर्स के बीच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में खेला जाएगा, जहां पर पहला मैच खेला जा चुका है। तो देखेंगे कि पहले मैच में कितना स्कोर्स हुआ था और कैसी मुल्तान की पिच रिपोर्ट्स है और कौन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होगा, कौन मुल्तान की तरफ से पूरे चार ओवर बॉलिंग कर रहा है, क्या बैटिंग ऑर्डर है, कौन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकता है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। तो सारी बातें दोस्तों वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना साथ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इस पिच पर अब तक चार मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं, सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मैच जीता। वहीं पर एवरेज स्कोर्स की बात की जाए तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है 150 से 170 के बीच एवरेज स्कोर्स होता है। हाई स्कोर्स की बात की जाए तो हाई स्कोर्स 199 इस पिच पर बन चुका है, लो स्कोर्स 123 रह चुका है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे एक बार, 150 से 170 के बीच एक बार, 170 से 190 के बीच दो बार, और 190 से ऊपर इस पिच पर एक बार स्कोर्स बन चुका है। यानी कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है, जिस पर आज मैच होने वाला है, जो कि इस पिच की बात की जाए तो ना तो हाई स्कोर्स मैच होता है, आप देख रहे हैं कि 190 के आसपास स्कोर्स हो जाता है। और जो लास्ट T20 मैच था उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। LHQ ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 175 रन बनाए और 6 विकेट गिरे, जबकि MSMUL 174 रन ही बना पाई और 6 विकेट गिरे। यानी कि इस पिच रिपोर्ट को देखे तो दोस्तों स्कोर्स तो हो रहा है 170 से 175 के बीच, इतना स्कोर्स बन जाता है। विकेट्स की बात करें, ज्यादा इस पिच पर विकेट्स नहीं गिरती हैं, दोनों की टीमों की तरफ से 6-6 विकेट्स गिरे। तो आज के मैच में भी, और जो हिस्टोरिकल डेटा है इस पिच पर देख रहे हैं कि एवरेज स्कोर 150 से 70 के बीच है, हाई स्कोर 199 के आसपास है, तो आज के मैच में भी हम यही स्कोर्स मान सकते हैं कि 160, 170 या 180 का स्कोर्स बन सकता है, जिसमें हमको यह भी ध्यान में रखना है कि विकेट्स 6-6 गिर रहे हैं। अब दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों के बीच 10 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से मुल्तान सुल्तान ने 5 और क्वेटा ग्लेडियर्स ने 4 मैच जीते हैं। यानी कि दोनों टीमों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। हालांकि मुल्तान सुल्तान अपना पिछला मैच हार करा रही है, जबकि क्वेटा ग्लेडियर्स अपना पहला मैच खेलने वाली है। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अब इनकी प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, सबसे पहले मुल्तान सुल्तान MUL की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों। पिछले मैच में मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ओपनिंग करते हुए नजर आए थे, डेविड मिलर वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आए थे, कायरन पोलार्ड, खुशदिल शाह, उस्मान खान, अकीला हुसैन, उस्मामीर, शहनवाज दानी, इंशाल्लाह और समीन गुल, ये इनकी प्लेइंग 11 दोस्तों। अब इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले मैच में कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन कितने ओवर बॉलिंग कर रहा, तो दोस्तों इनकी सबसे पहले बॉलिंग की बात की जाए तो 7 नंबर से 11 नंबर तक, यानी कि अकीला हुसैन, उस्मा मीर, शहनवाज दानी, इंशाल्लाह और समीनुल, ये पूरे अपने पिछले मैच में 4-4 ओवर बॉलिंग कर रहे थे। तो इस मैच में भी अकीला हुसैन पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेंगे, उस्मा मीर, शहनवाज दानी, इंशाल्लाह और समीन गुल पूरे 4-4 ओवर बॉलिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इनमें से किसी की पिटाई होती है तो कुछ एक कवर आप खुशदिल शाह से देख सकते हैं। हालांकि मैं एक्सेप्टेड कर रहा था कि पिछले मैच में भी 1-2 ओवर इनको दिया जाना चाहिए खुशदिल शाह से, लेकिन नहीं दिया गया। तो फिलहाल क्या मान के चल सकते हैं कि इनके जो 5 मेन बॉलर है पूरे 4-4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, और इन 5 में से हम किन्हीं 3 को अपनी टीम में लेने वाले हैं। अब दोस्तों बैट्समैन की बात कर लेते हैं और किस किस प्लेयर्स को लेना है। मोहम्मद रिजवान दोस्तों ओपनिंग कर रहे हैं, रिसेंट फॉर्म जबरदस्ती है इनकी, हमेशा ही अच्छा खासा स्कोर्स करते हैं, 73, 61, 11, 24, 75, विकेट्स की प्रोपोर्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमेशा ही रहते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कंटेंडर हमेशा ही रहते हैं। शान मसूद दोस्तों टेक्निकल बल्लेबाज है, लास्ट मैच में 35 रन बनाए और ठीक ठाक ये टेक्निकल बल्लेबाज है, और इस तरह की पिच पर जहां पर विकेट्स कम गिर रही हैं और इस तरह के बल्लेबाज को कभी भी लिया जा सकता है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको स्कोर्स करते हुए दिखाई देंगे, भले ही स्लो खेलते हैं लेकिन पॉइंट्स अच्छे खासे देते हैं, तो शान मसूद भी अच्छे खासे पिक करेंगे। वहीं पर दोस्तों डेविड मिलर, जिनका वैसे देखा जाए तो डेविड मिलर एक हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, फिनिशर के लिए जाने जाते हैं, बैटिंग ऑर्डर उनका 5 या 6 नंबर पर होता है, लेकिन PSL में वन डाउन बैटिंग करने के लिए आए हैं डेविड मिलर, तो इस सिचुएशन में और यहां पर उतने अच्छे मेरे हिसाब से डेविड मिलर पिक नहीं होने वाले,
क्यों? क्योंकि है तो ये हिट एंड मिस टाइप के, और इस सिचुएशन में ये हिट एंड मिस टाइप करेंगे नहीं और आराम से खेलेंगे तो वहां पर इनके विकेट्स जाने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए तीन नंबर पर आते हैं तो उतने अच्छे पिक फिलहाल मिलर नहीं रहेंगे। हाँ, अगर पांच नंबर पर या चार नंबर पर आते हैं तो सिचुएशन में ये हिटिंग करते हैं और वहां पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, तो ठीक ठाक ही रहेंगे पिक्स। डेविड मिलर उतने अच्छे नहीं रहेंगे। कारण पोलार्ड दोस्तों जबरदस्त प्लेयर्स हैं, बैटिंग ऑर्डर चार नंबर पर है और लास्ट मैच में 20 रन भी बनाए, बॉलिंग तो एक कर नहीं रहे हैं, कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं। और रिसेंट फॉर्म 50-19-43-57, यानी कि U20 में जिस तरह की फॉर्म में थे और पाकिस्तान की पिच वहां से और भी अच्छी पिच होती है बैटिंग फ्रेंडली के लिए, इसलिए कारोन पोलार्ड फर्स्ट बैटिंग के केस में तो कंफर्म आप इनको टीम में रख सकते हो, कभी भी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। खुश दिल शाह दोस्तों बैटिंग ऑर्डर पांच नंबर पर, रिसेंट फॉर्म ठीक है लेकिन लास्ट मैच में 12 ही रन बना पाए, बॉलिंग इनसे करवाया जा नहीं रहा है, तो फिर भी ग्रैंड लीग के लिए अच्छे पिक रहेंगे। समो लीग में जिस तरह से बॉलिंग नहीं करवाई जा रही है तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। उस्मान खान दोस्तों बैटिंग ऑर्डर छह नंबर पर जबकि ये ओपनिंग कर सकते हैं, या डेविड मिलर की जगह पर तीन नंबर पर ये बैटिंग करते हैं तो अच्छे खासे पिक होंगे। पता नहीं मिलर से वन डाउन बैटिंग करवाई जा रही है और उस्मान खान जो ठीक ठाक बल्लेबाज है जो फिनिशर का काम नहीं करते उनसे छह नंबर पर फिनिशर के लिए ले जाया जा रहा है, तो उस्मान खान एकाधी जेल में जरूर ट्राई करना क्योंकि इनका सिलेक्शन 3% है, अच्छे खासे पिक हो सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन्होंने एक मैच में शतक भी लगाया था। फिर दोस्तों अकीला हुसैन जबरदस्त प्लेयर है, टीम में इनको तो कंफर्म लेकर ही चलना ही है, चार ओवर पूरे बॉलिंग करेंगे और एक विकेट तो ही निकाल ही लेंगे। वहीं पर उस्मा मीर ये टैलेंटेड है और अच्छी खासी स्पिन डालते हैं, सिलेक्शन इनका बहुत कम है, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ये कंटेंडर रहेंगे मेगा जीएल में, याद रखना लास्ट मैच में चार ओवर बॉलिंग की और मैंने पूरा मैच देखा वहां पर अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे और दो विकेट निकाल कर भी ले जा रहे हैं, तो आज के मैच में भी इसको उस्मा मीर को कंफर्म टीम में लेना। सैन वाजदानी दोस्तों विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं, पेसर अच्छे खासे पेसर्स हैं, फर्स्ट बॉलिंग के केस में अच्छे पिक रहेंगे, सेकंड बॉलिंग के केस में थोड़ा आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों अपना पहला मैच खेले और दो विकेट निकाल कर ले गए, हमने इनको टीम में भी रखा था, दो विकेट निकाले, अच्छे खासे पिक रहेंगे और अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, कटर के लिए जाने जाते हैं और बाउंस भी एक आधी डाल लेते हैं, तो अच्छे खासे पिक रहेंगे, डेथ में भी बॉलिंग करें। समीम गुल दोस्तों लास्ट मैच इन्होंने खेला, पूरे चार ओवर बॉलिंग इन्होंने की और सिर्फ 3% लोग इनको अपनी टीम में लेकर चले, हालांकि इनकी बॉलिंग तो ठीक थी लेकिन पिटाई हुई फकर जमान की, बल्ले से एज लग रहा था और पीछे छक्के जा रहे थे, यानी कि पिटाई इसी तरह से हुई नहीं तो कोई इन्होंने ऐसी बॉल नहीं डाली थी कि कोई खराब हो, यानी कि मेगा जुएल में ये भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकते हैं। इन पांच बॉलर्स में से हम किन्हीं तीन को तो कंफर्म ट्राई करना दोस्तों, तो समीम गुल को एकाधी जेल में जरूर ट्राई कर सकते हो, अच्छे खासे ये पिक हो सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेटा ग्लेडियर्स की प्लेइंग 11 की, तो जेनसन रॉय ओपनिंग करेंगे, इनके साथ विल समीद या मार्टिन गुप्टिल कोई ओपनिंग कर सकता है, विल समीद भी खेल सकते हैं नहीं तो मार्टिन गुप्टिल भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तीन नंबर पर दोस्तों अब्दुल खेलते हुए दिखाई देंगे, चार नंबर पर मोहम्मद हाफिज, पांच नंबर पर इफ्तिकार अहमद, सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज, वानिदू हसरंगा, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और नुआन तुसारा, ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। अब दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो किसको अपनी टीम में ले सकते हैं, जेनसन रॉय ओपनिंग कर रहे हैं और फिलहाल जेनसन रॉय की परफॉर्मेंस की बात करें तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है, साउथ अफ्रीका T20 लीग खेल करा रहे हैं, वहां 8-10 मैच खेले सिर्फ एक ही मैच में 61 रन बना पाए, तो उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, प्लेयर जरूर अच्छे हैं तो फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि बांग्लादेश जैसी पिच पाकिस्तान जैसी पिच पर ये कभी भी बड़ा स्कोर्स भी कर सकते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हो सकता है पाकिस्तान में अच्छी खासी इनिंग्स खेल जाए, इसलिए जीएल में जरूर ट्राई कर लेना, फिलहाल एसएल में हम देखते हैं कैसी इनिंग्स खेलते हैं तो ड्रॉप ही कर सकते हैं। विल समी दोस्तों प्लेयर्स अच्छे हैं, लास्ट पीसीएल में इनका परफॉर्मेंस ठीक था, रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है तो ठीक ठाक प्लेयर्स रहेंगे, एकादी में जेल में जरूर ट्राई करना ऐसे प्लेयर्स को। अब्दुल बंगलाई दोस्तों ठीक ठाक प्लेयर्स हैं, परफॉर्मेंस देखा जाए तो इनका अच्छा है, 46-25-67-27, लेकिन बड़े प्लेयर्स नहीं है तो इसलिए इनको लोग ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन विल समीर और अब्दुल बंगलजाई में से किसी एक को ट्राई कर लेना, पिछले मैच में भी मैंने बताया था हुसैन तलत उसको जरूर ट्राई करना, क्यों? क्योंकि उसका सिलेक्शन कम था लेकिन प्लेयर्स अच्छा था, बड़ा नाम नहीं था इसलिए लोग ड्रॉप कर रहे थे, तो उसी प्रकार विल समीद और अब्दुल बंगलजाई में से एक प्लेयर्स मेगा जेल में आप ट्राई
कर सकते हो, क्योंकि एसएल में तो आपके ओपोनेंट नहीं मिलने वाले, तो आप वहां पर इनको ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन ग्रैंड लीग में तो ऐसे प्लेयर्स को जरूर ट्राई करना होता है जिनका सिलेक्शन कम और प्लेयर्स अच्छे होते हैं। तो इनकी जगह पर, विल स्मिथ की जगह पर अगर मार्टिन गुप्टिल खेलते हैं तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों चार नंबर पर मोहम्मद हफीज की बात करें, प्लेयर अच्छे हैं लेकिन बॉलिंग का अभी शॉट नहीं कितनी करेंगे, क्योंकि इनके पास पहले ही इतने बॉलर्स हैं, नुआन तुसारा, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, वालिदु हसरंगा और मोहम्मद नवाज, यानी कि पांच प्रॉपर बॉलर्स हैं इनके पास। अगर इनमें से किसी की पिटाई होती है तो मोहम्मद हफीज आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, हालांकि इफ्तिकार अहमद भी बॉलिंग कर सकते हैं, यानी कि बॉलिंग ऑप्शन इनमें ज्यादा है, तो इसलिए मोहम्मद हफीज फिलहाल ठीक ठाक ही पिक रहेंगे, उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इनको इफ्तिकार अहमद को लेंगे। तो इफ्तिकार अहमद रिसेंट फॉर्म अच्छा और ये भी बॉलिंग बैकअप दे सकते हैं, तो जबरदस्त प्लेयर्स है, अच्छी खासी हिटिंग भी करते हैं, अच्छे खासे पिक रहेंगे। सरफराज अहमद दोस्तों छह नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है, विकेट कीपर में जहां पर मोहम्मद रिजवान है, तो इनकी तरफ कौन ध्यान देगा, इनको कौन अपनी टीम में लेगा, और बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे है तो ड्रॉप ही करेंगे। मोहम्मद नवाज दोस्तों अच्छे खासे विकेट टेकिंग बॉलर्स भी हैं, अगर पूरे चार ओवर बॉलिंग करते हैं तो कैप्टनशिप वाइस कैप्टन के भी कंटेंडर रहेंगे, टीम में तो उनको लेना ही है। वानिंदु हसरंगा दोस्तों कौन नहीं जानता कैसे प्लेयर्स है, पूरे चार ओवर बॉलिंग करेंगे, कैसी पिच हो, फर्स्ट इनिंग्स हो, सेकेंड इनिंग्स हो, हर टीम हर टाइम इनको अपनी टीम में ट्राई करना ही होता है, और विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं भी, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ये कंटेंडर हमेशा ही रहते हैं। नसीम शाह दोस्तों विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, रिसेंट फॉर्म ठीक है, लास्ट के तीन मैचों की बात करें तो चार विकेट, दो विकेट, एक विकेट, अच्छी खासी है, डेथ में बॉलिंग करेंगे और डेथ में बॉलिंग करते हुए एक यूनिक कैप्टनशी हो सकते हैं ये भी। मोहम्मद हसनैन दोस्तों कंफर्म टीम में लेकर चलना है, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर्स है, हालांकि इनका जो सिलेक्शन देखा जाए तो 30% है, लेकिन प्लेयर्स अच्छे हैं, इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वहीं पर नुआन तुसारा दोस्तों उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है जिस तरह के, और इनके ओवर इस मैच में कट सकते हैं नुआन तुसारा के, जो कि मोहम्मद हफीज या फिर इफ्तिकार अहमद करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो नुआन तुसारा उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। अब दोस्तों मैं ड्रीम इलेवन ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बता दूं कि क्या मेरी टीम बनकर तैयार हुई है एसएल की, और किस प्लेयर्स पर मैं ग्रैंड लीग की टीम में रिस्क ले रहा हूं। वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों ये हो गया मेरी एसएल की टीम का प्रिव्यू। विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान सबसे अच्छे ऑप्शन है, मैं तीन बैट्समैन के साथ गया हूं, पोलार्ड, शान मसूद और इफ्तिकार अहमद। दो ऑलराउंडर लिए दोस्तों मैंने, हसरंगा और मोहम्मद नवाज को। पांच बॉलर्स के साथ गया हूं दोस्तों मैं, अकीला हुसैन, उस्मान मीर, इंसाउल्ला और मेहंदी एम हसनैन और नसीम शाह, पांच बॉलर्स के साथ गया हूं। वहीं पर कैप्टन की बात करें दोस्तों, मोहम्मद रिजवान मेरे कैप्टन एसएल टीम में और वाइस कैप्टन हसरंगा, ये तो थी दोस्तों मेरी एसएल की टीम। अब वहीं पर जीएल की टीम की बात करें तो दोस्तों ये हो गया मेरी जीएल की टीम का प्रिव्यू। इसमें मैंने विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान अच्छे ऑप्शन है, सिर्फ दो बैट्समैन के साथ गया हूं दोस्तों मैं, शान मसूद और इफ्तिकार अहमद। वहीं पर मैंने तीन ऑलराउंडर ले लिया जीएल की टीम में, हफीज, हसरंगा और मोहम्मद नवाज। पांच बॉलर्स के साथ गया दोस्तों, अकीला हुसैन, उस्मान मीर, मेहंदी हसनैन, नसीम शाह और शहनवाज धानी, ये दोस्तों मेरी जीएल की टीम है। आप चाहो तो मोहम्मद यानी कि मोहम्मद हफीज की जगह पर इसी टीम में एक ज्यादा बैट्समैन ले सकते हो, आप मार्टिन गुप्टिल खेलते हो तो उनको ले सकते हो, विल समीद, ए बंगलाजाई, यानी कि जिनका लो सेलेक्शन है, हफीज की जगह पर अपनी जीएल की टीम में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रख सकते हो, बाकी बॉलर्स में एक आधा चेंजेस आप जरूर कर सकते हैं। तो मेरे इस अपनी जीएल की टीम में कैप्टन नसीम शाह को रखा है, अगर फर्स्ट बॉलिंग करता है तो ये तीन विकेट्स चार विकेट्स निकाल सकता है, तीन विकेट्स भी निकाल गया तब भी अच्छा काम कर जाएगा। वहीं पर वाइस कैप्टन दोस्तों मेरा उस्मान मीर है, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग नसीम शाह करेगा, यानी कि ये टीम करेगी तो डेथ में बॉलिंग करेगा नसीम शाह, वहां पर ये तीन विकेट निकाल लेगा, डेथ में वैसे भी मिल जाते हैं। वहीं पर उस सिचुएशन में उस्मान मीर वाली टीम फर्स्ट सेकंड बॉलिंग करेगी और ये स्पिनर्स है, और वहां पर इसको भी अच्छे खासे विकेट मिल सकते हैं। लास्ट मैच में भी दो विकेट निकाल कर आ रहा और सिलेक्शन उस्मान मीर का बहुत कम है, तो जहां पर सब लोग जीएल में उस्मान मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना रहे हैं, वहां पर हम उस्मान मीर को भी बना सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर हैं, लेकिन 50 रन बनाते हैं और हो सकता आउट भी हो जाए या 40 रन भी बना रहे हैं। वहीं पर उस्मान मीर दो विकेट निकाल लेंगे और अच्छी वाइस कैप्टनशी की पारी खेल सकते हैं। आप चाहो तो वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान या फिर हसरंगा और मोहम्मद नवाज, ये तीन ऑप्शन और हैं जीएल के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम प्लेइंग 11 की, में अगर कुछ चेंजेस होता है क्योंकि
मुल्तान एमयूएल तो अपना पहला मैच खेल चुकी है, उसके तो प्लेइंग 11 में पता है। और उधर से क्वेटा ग्लेडियर्स की बात करें तो प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए जो मेरी फाइनल टीम बनकर तैयार होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं आप लोगों से।